हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, उत्तराखंड में जो HNBU यूनिवर्सिटी है तो उसका जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो उसका कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मतलब कि आपका फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही आपको किस तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है ताकि आपका स्कोर जो है काफी अच्छा आ सके एग्जाम में, ठीक है। तो इस पे हम लोग जो है कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। तो HNBU यूनिवर्सिटी का जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम है उसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल किए जा रहे हैं, तो अभी तक जिसने फिल नहीं करा वो फिल कर सकता है, और फिल कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी HNBU यूनिवर्सिटी के BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूं उसको मैंने कम्प्लीट एक प्लेलिस्ट में डाल रखा है। HNBU BSc नर्सिंग 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाकर वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका एग्जाम है BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका 10 जुलाई को यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है परीक्षा की तिथि 10/7/2022 रविवार, ठीक है, संडे का दिन है उस दिन, और मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे के बीच में जो है 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग HNBU यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम में नहीं है, ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, कहीं फिर आप बाद में इसी के रिगार्डिंग काफी बार क्वेश्चन पूछते हो, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो 10 जुलाई को जो है आपका एग्जाम होगा यहाँ पर, और टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है आपके 100 मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। और यहां पर जो है आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जाम में आने वाले हैं 5। कौन कौन से सब्जेक्ट है, पहला है रसायन विज्ञान यानी कि फिजिक्स हो गया, सॉरी केमिस्ट्री, फिर नेक्स्ट आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स हो गया, फिर जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी हो गया, और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और लास्ट आपका नर्सिंग अभिक्षमता यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, और हर सेक्शन का जो है मतलब हर जो सब्जेक्ट है उसमें से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हर सेक्शन में आपको जो है 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले आपका सपोज फिजिक्स का सेक्शन होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा, फिर बायोलॉजी का होगा, फिर इंग्लिश का होगा, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड का होगा, ठीक है। पेपर का लेवल मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा कोई टफ पेपर नहीं बनाया जाता है HNBU यूनिवर्सिटी की तरफ से, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, एवरेज लेवल होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई कि इन 5 सेक्शंस के जो 5 सब्जेक्ट हैं इन सभी के 20-20 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आपको मटेरियल कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपको 10+2 लेवल की पढ़नी है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ 12th का आएगा, 11th और 12th दोनों का सिलेबस आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंड में अच्छे से क्लियर कर लेना कि जो आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्लास 11th प्लस क्लास 12th दोनों ही क्लासेस से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करें फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स से आप सभी को सबसे ज्यादा डर लगता है क्योंकि आप सभी लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो फिजिक्स में कुछ बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है HNBU के एग्जाम के लिए। बेसिकली आपको करना क्या है फिजिक्स में, जो चैप्टर्स मतलब ये चीज मैं हर उसके लिए बोलूंगा, हर सब्जेक्ट के लिए, मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट्स में पहली चीज तो याद ये चीज रखो कि जो चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं उन चैप्टर्स को आप पहले कंप्लीट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा है कि मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद सेकंड करूंगा, फिर थर्ड करूंगा, फिर फोर्थ करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तीनों ही सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा इजी लग रहा है, ये लग रहा है कि ये चैप्टर मैं आराम से कर सकता हूं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजिली हो जाएगा, उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, हर चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, यानी कि चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ो। एनसीईआरटी की समरी आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी, जैसे बायजूस की वेबसाइट है तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। बाकी एक अगला सेम नोट्स करके है, अगला सेम करके भी एक वेबसाइट से, वहां से भी आप 11th 12th के फिजिक्स के नोट्स देख सकते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स देखो
और वहां पर कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है काफी कम पूछे जाते हैं। फिजिक्स में 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 4 या 5 ही न्यूमेरिकल मैक्सिमम पूछे जाएंगे, 15 जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी थ्योरी बेस्ड होंगे, थ्योरिटिकल होंगे, ठीक है। तो थ्योरी पर अपना फोकस ज्यादा रखो, एनसीईआरटी की किताब से फिजिक्स बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक ही चैप्टर लेकर पूरा महीना आपका निकल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड समरी या फिर जो नोट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए गए हैं उनको इंटरनेट से पढ़ो, लेकिन उसकी समरी पढ़ो। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो हर चैप्टर को गो थ्रू करना है आपने, चैप्टर में ऊपर ऊपर से पढ़ना है। कि सपोज अगर हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे वहां पर कुछ फिनोमेनास होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लो, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कब बनता है, तो ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़नी है, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। फॉर्मूले जो आएंगे, फॉर्मूले को कोशिश करना कि याद करो, जो ज्यादा टफ लगे फॉर्मूले उनको छोड़ देना, इजी इजी फॉर्मूला जो है वो आप याद कर सकते हो, जैसे क्या बोलते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है, एफ इजिकल टू जी एम1 एम2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके के फॉर्मूलास को याद करने की कोशिश करो, और इनमें जो टर्म्स हैं उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे जी M1 M2 अपॉन M2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो R यहां पर डिस्टेंस है, M1 M2 मासेस है, जी यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जैसे दूसरी चीज अगर हम ले लें K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो Q1 Q2 चार्जेस है और K क्या है आपका, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूलेस, इजी फॉर्मूलास को याद करो, थ्योरी जो है, कॉन्सेप्ट जो है उन पर ज्यादा फोकस रखो, ठीक है, वहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा पाऊं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हैं, तो आप वो वीडियो सर्च करके जो है आप उनसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की भी, तो केमिस्ट्री में भी सेम वही है, ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है। अगर आपको याद करना पसंद है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपना फोकस ज्यादा रखना, जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक हो गए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए, तो ये चीजों पर ज्यादा फोकस रखना। बाकी स्टार्टिंग के जो चैप्टर है क्लास 11 के, जैसे कि आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और मतलब जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर है, और जो पीरियोडिक एलिमेंट्स वाला, जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया क्लास 11 में, शायद 3rd चैप्टर है वो, ठीक है। तो इन चैप्टर्स पे अपना ज्यादा फोकस रखना, यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन जो इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। और किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम लगती है कि लगता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है इसको पढ़ने का, तो उसको मत पढ़ो, जो इजी चैप्टर लग रहे हैं उतना ही पढ़ो, क्योंकि आपके पास अब लगभग 25 दिन का समय रह चुका है, तो 25 दिन में वो चीजें कवर करो जो आपको इजी लगती हों, जो आपसे अच्छे से हो पाए, ना कि इस चीज पर आप फोकस करो कि मुझे सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। HNBU का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सारा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम सिलेबस करो 70% भी अगर सिलेबस आप अच्छे से कर लेते हो, 30% सिलेबस छोड़ भी देते हो, तब भी आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पर अभी हम लोग नीचे बात करने वाले हैं, तो वो दोनों इतने इजी सब्जेक्ट्स हैं कि वहां पर आप पूरे पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो बाकी जो आपका इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड रह गया, ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बायोलॉजी की बात रह गई, तो बायोलॉजी में भी जो इजी चैप्टर्स हैं उन पर ज्यादा फोकस रखो। बायोलॉजी में जैसे आपको कुछ टफ चैप्टर्स लगते हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक्स वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो जेनेटिक्स में जैसे मॉलिकुलर इनहेरिटेंस वाला, जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, जिसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये सारे प्रोसेसेस हैं, अगर आपको ये चैप्टर टफ लगता है छोड़ दो उसको, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। बाकी उससे पहले वाला जो चैप्टर है इनहेरिटेंस वाला, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मेंडल लॉज हैं, ठीक है, और मतलब जो मेंडल के लॉज वगैरह हैं उन सब के बारे में पढ़ लो, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ये थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें पढ़ो। बायोटेक वाली यूनिट बहुत ही आसान है, बायोटेक के चैप्टर बहुत ही आराम से आपको समझ आ जाएंगे, कहीं पर भी यूट्यूब पे सर्च करना, एक वन शॉट वीडियो देखना बायोटेक वाली, ठीक है, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। बायोटेक की जैसे यूनिट आसान हो गई। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स जो है वो आसान है, उसमें प्रोसेसेस को मत पढ़ना कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसे होता है, पूरा प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, या ऊजेनेसिस जो होता है वो कैसे होता है वो भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, क्लियर है। और इजी चैप्टर्स में आपको बता दूं, जैसे आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में आपको मजा भी आता है क्योंकि आप जो है उसी फील्ड में जाने वाले हो, आगे मेडिकल फील्ड में जाने वाले हो, तो आपको अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो टोटल उसके ऊपर 7 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे डाइजेशन है और रेस्पिरेशन हो गया आपका, और ब्लड सर्कुलेशन वाला एक चैप्टर है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं इन पर ज्यादा फोकस रखो, इनमें जो इजी इजी चीजें हैं वो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। डाइजेशन में आपके कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, रेस्पिरेशन में जो कुछ टर्म्स दिए गए वहां पर कि IRV क्या होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं TRV क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको अच्छे से पढ़ो। और अगर आपको क्लासिफिकेशन वाली यूनिट में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्लास 11 के जो पहले के 4 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, पहला तो आपका वही है बायोलॉजी, वो क्या बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड है, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। इनमें अगर प्रॉब्लम होती है आपको याद करने में तो इनको छोड़ सकते हो, बाकी अगर आप याद करना चाहो तो इनके एग्जांपल्स याद कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे बेसिडियोमाइट्स है तो उसके एग्जांपल्स क्या है, या फिर पोरीफेरा के एग्जांपल्स क्या है, तो ये एग्जांपल्स याद कर लो तब भी आपका काम चल जाएगा, ओके। प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो तो इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर इजी है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर इजी है, तो इनको पढ़ लेना। बाकी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वाला जो चैप्टर है वो भी आप आराम से पढ़ सकते हो, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स करके जो चैप्टर है, ठीक है। तो क्लास 11 के तो बेसिकली इतना ही है, क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाली जो यूनिट है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, उसको पढ़ने में काफी मजा भी आता है क्योंकि उसमें डिजीजेस के बारे में दिया है, उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं, ये सारी चीजें पढ़ लो। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि टाइफॉइड जो है वो किससे कॉज होता है, ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी इसका एग्जांपल है, बैक्टीरियल डिजीज है ये। उसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि जो डेंगू वायरस है, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेगा कि डेंगू वायरस का जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, मलेरिया का वेक्टर कौन होता है, ठीक है, मलेरिया किससे होता है, ऐसे पूछ लेगा कि मलेरिया इज कॉज बाय, और 4 ऑप्शन दे देगा आपके पास, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या नन ऑफ द अबव, तो प्रोटोजोआ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ो, और मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो इजी चैप्टर्स लगते हैं मैं बार बार ये बोल रहा हूं उनको पहले पढ़ो। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश के यहां पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो तब आपके लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो करना काफी आसान है। अगर आप मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो तो इतनी इंग्लिश आपने पढ़ रखी है कि ये जो HMU में इंग्लिश पूछी जाती है इसमें से 20 में से 13 से 14 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे बिना पढ़े भी, ठीक है। अगर आपको पढ़ना भी है तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से एक बार पढ़ लो, जैसे सिनोनिम्स है, ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, तो सिनोनिम्स उनके बारे में पढ़ो, एंटोनिम्स के बारे में पढ़ो, यानी कि जो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, जैसे ए कहां पर लगता है, एन कहां पर लगता है, द कहां पर लगता है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, डिटर्मिनर्स जो मतलब हमको लगाने पड़ते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद प्रीपोजिशंस हैं, वो भी हमको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाने पड़ते हैं। फिर टेंसेस के बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, टेंसेस पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं इतना टाइम है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, वरना पढ़ लो कि क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी सेंटेंस को कंप्लीट करने में, ठीक है। जो सेंटेंस कंप्लीशन वाले वो आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, उनको आप टेंसेस की मदद से जो है कंप्लीट कर सकते हो। फिर जंबल वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जंबल वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको 3-4 वर्ड जो है वो स्लैश लगाकर जो है आगे पीछे करके दे दिए जाएंगे, और आपको उनको अरेंज करके जो है एक कंप्लीट प्रॉपर सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एरर्स हो गया, तो एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें एरर कहां पर है, उसको मार्क करो। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेसेस है, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां, तो मुहावरे जो इंग्लिश में होते हैं, इडियम्स जो होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इजी इसी से पूछे जाते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर वीडियोस भी डाली थी, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, उनको सर्च करना पड़ेगा। HMU उत्तराखंड 2021 की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, वहां पर उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितनी मैंने 2021 में डाली थी बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो आप उनको देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनको दोबारा से करवा पाऊं, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, इजी इंग्लिश आती है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये चीज मेन है, ठीक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये कोई भी कर सकता है, इसमें ना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ना आपको ट्रिक्स पढ़नी है, ना आपको टिप्स पढ़नी है,
ना ही आपको फॉर्मूलाज पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड कैसे पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड की मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, लास्ट ईयर मैंने उस पर लेक्चर्स डाले थे। नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, उन सिलेबस के ऊपर ही मैंने सारी वीडियोस डाली थी। तो पहला जो टॉपिक इन्होंने दिया था, इनका ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने लेक्चर्स बनाए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो इनका सिलेबस में पहला जो टॉपिक था वो था नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है इंडिया में उसके बारे में बात की गई है। फिर नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, अगर आप नर्स बनते हो फ्यूचर में तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। फिर नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स, अगर आप नर्स बनते हो तो आप में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए उनके बारे में। फिर नेक्स्ट है वेरियस डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल, यानी कि जो हॉस्पिटल होता है तो उसमें काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे टीबी डिपार्टमेंट हो गया, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं मतलब बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो इन सब डिपार्टमेंट के बारे में आपको इस लेक्चर में पढ़ना है। फिर है मेडिकल स्पेशलिस्ट इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, जैसे कि ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है और आपका क्या बोलते हैं बहुत सारे जो भी मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, ओके, तो इसके बारे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, तो वो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। फिर सिंबल्स यूज्ड इन अ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में कुछ साइंस और सिंबल्स का यूज किया जाता है लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, तो वो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर लास्ट है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती है जो फैलती है एक से दूसरे इंसान को, ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन एक से दूसरे इंसान को फैलता है अगर वो उसके कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीजेस नहीं फैलती, जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है, तो ये आपको इस लास्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट का लिंक है, ये देखो प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा है यहाँ पर, नर्सिंग एप्टीट्यूड लेक्चर्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022 केजीएमओ एचएनबीयू एंड एबीवीएमओ, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में भी इन दोनों में भी आ रहा है, केजीएमओ में भी आ रहा है और एबीवीएमओ में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसको चेकआउट कर लेना। ये प्लेलिस्ट में जितने 7 लेक्चर्स हैं, ये अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन खत्म, 20 में से आप मिनिमम जो है 15 से 16 क्वेश्चंस करके ही आओगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं इस पे प्रैक्टिस करवा दूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है, और नहीं मिलता तो ये 7 लेक्चर्स आपके लिए सफिशियंट है। ये 7 लेक्चर्स अगर आप कर लेते हो तो 20 में से मिनिमम 15 क्वेश्चंस आप कर लोगे इजीली, क्लियर हो गए इतनी बात, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस था और मैंने आपको बता भी दिया पढ़ना कैसे आपको, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि इसी का आपको काफी टाइम से डाउट आ रहा था। बाकी जो पैरामेडिकल के कैंडिडेट्स हैं, एएनएम के या फिर जीएनएम के, तो उनपे मैं अभी जो है वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है, एक दो दिन में डाल दूंगा, उनके में भी सिलेबस जो भी है उस पर बात कर लेंगे। बाकी बीएससी नर्सिंग वालों की जो है टेंशन शायद खत्म हो गई होगी। तो बीएससी नर्सिंग के लिए देखो, मैं बीच बीच में लेक्चर्स डालूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना टाइम है और ना आपके पास भी इतना टाइम है कि आप इतने सारे लेक्चर्स देखो, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि इन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो तो उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई उस पर चलो, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स वो सारे देख लो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश का भी मैंने बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहेगी, इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि फ्यूचर में जब मैं इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा या फिर लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो उसका लिंक जो है आपको, उसका नोटिफिकेशन जो आपको तुरंत मिल जाएगा, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।